ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिक्स की एक और वीडियो पर। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है कैटेनरी। तो हम लोगों ने इस सीरीज़ में 3 वीडियोस बना चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पार्ट 1 में बात किए थे कि कैटेनरी क्या होता है, कॉमन कैटेनरी क्या होता है, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम या फिर इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नाम था इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये हम लोगों ने बात की है दोस्तों पार्ट 1 में, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किए पार्ट टू में हम लोगों ने बात किए दोस्तों कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है। देन हम लोगों ने दोस्तों पार्ट 3 में बात किए कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है कॉमन कैटेनरी उसके बारे में, और जो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैटेनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो B.SC में लगभग हर 2 साल में एक बार वो एग्जामिनेशन में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आपको कैटेनरी क्या होता है और कैटेनरी के दोनों इक्वेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होना तो ही आपको ये क्वेश्चन समझेगा, नहीं तो ये वीडियो देख के कोई मतलब नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट कैटेनरी में जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो अभी जाके देखो, देन इस वीडियो पर आओ। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ये बहुत पहले से हमको बताया जा रहा है। तो हम लोग पता करेंगे कि ऐसा क्या रहता है क्वेश्चन में और जिस क्वेश्चन से हमको आंसर मिलने वाला है आज। तो देखो क्या बोलता है, अ यूनिफॉर्म चैन, है ना। मतलब क्या, अ यूनिफॉर्म चैन मतलब कॉमन कैटेनरी ऑफ लेंथ एल, है ना, ऑफ लेंथ एल इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। देन अब हम लोग क्या करेंगे, कैटेनरी ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर वो सब कुछ कंडीशंस दी हुई है, उस कंडीशंस के तौर पर हम लोग चलेंगे। तो क्या बोलता है, ए से बी में एक चैन लटकी हुई है जिसको हम कॉमन कैटेनरी बोलते हैं, उसकी लेंथ एल है, है ना। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, और ये हो गया दोस्तों हमारा पॉइंट बी। यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे कॉमन कैटेनरी, है ना, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गई दोस्तों वाई एक्सिस। हम लोगों ने इस डायग्राम को पूरा डिस्क्राइब किया था, तो इन वीडियोस में उस डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो भी यहीं पर बताएंगा। और इस क्वेश्चन को आप आखिरी तक देखिए, है ना, जिससे आपको पूरा चीज़ समझने में बहुत आसानी होने वाली है। और ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया हमारा टेंशन टी, है ना, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट आइडर टर्मिनल टेंशन एन टाइम्स। जो टेंशन है ना बोलता है वो एन टाइम्स है। मतलब क्या, टेंशन टी जो है वो एन टाइम्स ऑफ जो, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी, और ये सी पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमारा हो गया टी नॉट या फिर टी ज़ीरो। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये हम लोगों ने मान लिए डी, और इस ए से बी के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पैन, और हमको स्पैन ही फाइंड आउट करना है, है ना। क्या बोलता है, टेंशन एन टाइम्स एट द लोएस्ट पॉइंट सी सो दैट द स्पैन ए बी मस्ट बी, मतलब जो स्पैन है हमारा वो इतना आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो ये हो गया, तो हम इसको इस डायग्राम को पहले डिस्क्राइब करेंगे कि इस डायग्राम में एक्चुअली में चीज़ें है क्या। तो हमारा ये हो गया स्टार्ट, है ना, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग, तो पहले डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो चेन है ए सी बी, तो हम लोग लिख देंगे चेन ए सी बी जिसकी लेंथ है एल। ये हम लोग क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ये चेन है ए सी बी इसकी लेंथ है एल, देयरफोर क्या हो जाएगा, देयरफोर ये जो सी बी हो जाएगा ना, सी बी मतलब ये जो आर्क है वो हो जाएंगी एल बाई टू। देखो पूरा एल है, तो अगर पूरा एल है तो उसका हाफ हो जाएगा एल बाई टू, है ना, जो हम लोग को यूज आने वाला है। और जो हमारे सी पॉइंट है ना, सी इज द इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, सी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी, है ना, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है इस कैटेनरी का, ठीक है। अब हम लोग इस टेंशन टी और टी नॉट को लिखेंगे, मतलब क्या कि लेट
इज इक्वल टू टेंशन एट B, मतलब जो T है वो एक्ट कर रहा है B पॉइंट पर, और जो T नॉट है वो टेंशन एक्ट कर रहा है एट पॉइंट C पर, है ना। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, जो टेंशन है इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन n टाइम्स, मतलब क्या कि जो टेंशन है ना T वो n टाइम्स एक्ट कर रही है इस पॉइंट C से T नॉट तक, है ना। और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ रिलेशन हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर हमको कोई टी दिखता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई। ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया है, अगर आप चाहे तो इसको पार्ट थ्री में जाके दे सकते हैं। और हम लोगों ने जब इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी पढ़ा था तो हम लोगों ने एक रिलेशन ये पढ़ा था कि टी नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू सी। तो अब हम लोग इनका यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम लोग टी को लिख दे, टी को अगर हम लोग लिख दे इज अ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स टी नॉट इज डब्ल्यू सी, तो अगर हमारा ये डब्ल्यू से डब्ल्यू हो गया कैंसल, तो यहाँ पर क्या बच गया, वाई इज इक्वल टू एन सी। और हम लोगों ने एक और रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन पढ़ा था हमने वाई और शाय के बीच का, तो वो था हमारा वाई इज इक्वल टू शेक शाय। तो हम लोग इस वाई के जगह लिख सकते हैं सी सेक शाय, तो ये हो जाएगा हमारा सी सेक शाय इज इक्वल टू एन सी। तो देखो सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारा सेक शाय की वैल्यू हो गई एन, ठीक है एन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग सेक शाय को हम जानते हैं, अगर हम सेक शाय को लिख सकते हैं, sec psi को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वन अंडर रूट ऑफ टेन sec psi, हाँ अंडर रूट ऑफ हम इसको लिख सकते हैं टेन psi, टेन स्क्वायर psi माइनस वन, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक मिनट, हाँ तो हम लोग इस sec psi को लिख सकते हैं क्या टेन psi, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन। तो देखो नाउ हम जानते हैं इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी टेन शाय। और हम लोगों को पता है कि ये एस मतलब देखो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं एस, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब ये जो आर्क है वो हो गई एल बाय टू, है ना, और ये हो गया सी टेन शाय, है ना। इस L बाय टू और C टेन साई की वैल्यू हमको पता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं C इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, एकदम बेसिक टर्म है। तो हम लोग ऐसे अगर C की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो ये C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये वन हो जाएगा, ये टू इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। देन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है सो दैट द स्पेन ए बी, इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पेन विल बी रिक्वायर्ड, स्पेन विल बी, ये देखो अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये एक्स है, तो ये हो जाएगा टू एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टू एक्स। और वी नो दैट हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन शाई। तो अगर हम लोग इस x के जगह इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2c log sec psi बेटा प्लस tan psi, है ना। तो अगर हम लोग इस c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा twice l under root of 2n square minus 1, और ये log देखो sec psi को हम लोग लिख सकते हैं क्या n यहाँ से, तो ये इसको हम लोग लिख देंगे log of n प्लस, और tan psi को हम लोग लिख सकते हैं n square minus 1। कहाँ से लिखे हम लोगों ने, इस यहाँ से लिखे, मतलब इन दोनों का यूज़ किया हम लोगों ने, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये बच गया हमारा 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन n square minus 1, है ना, एन स्क्वायर माइनस वन
और ये हो गया log ऑफ n प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, और हम लोगों को यही चाहिए था ए बी इज इक्वल टू इतना फ्रॉम ये। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एल अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन लॉग ऑफ एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर को, टी नॉट का स्क्वायर को हम लोग प्रूफ करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही, देन फिर मुलाकात होंगी अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए गुड बाय, और अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और जो कैटेनरी है उसकी पूरी वीडियोज़ देख ले। तब तक के लिए जय हिंद।